नमस्कार मित्रों, आज की इस दिवाली की पावन बेला में मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। तमाम भारत एवं विश्व के सभी हिंदू साम्राज्य के लोगों, आपसे निवेदन पूर्वक विनती करता हूं कि इस पावन बेला दिवाली की घड़ी में सुख और समृद्धि के साथ दिवाली का इस पर्व का आनंद उठाएं, किसी भी तरह के तनाव से मुक्त रहें और दिन प्रतिदिन अपने विश्व को, अपने देश को, अपने आसपास के लोगों को खुशियां देने का संकल्प करें। खुशी ही खुशी रहेगी, तभी समृद्ध एवं सकुशल भारत एवं विश्व का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस पावन बेला दिवाली 2017 का लुत्फ अवश्य उठाएं, पटाखे फोड़ें, फुलझड़ियाँ छोड़ें और भी अन्य प्रकार की विस्फोटक सामग्रियों का इस्तेमाल करें, लेकिन संभल कर अपने बच्चों को भारी विस्फोटकों से दूर रखें एवं देखते रहें छोटे छोटे बच्चों को, ताकि वो भटक न जाएं। इस पावन बेला में आपका, आपके परिवार का, इस देश का, सबका मैं मंगल कामना करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि सारे विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण बने रहे। आज इस पावन बेला में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर अयोध्या नगरी में अत्यधिक साजो सज्जा के साथ इस वर्ष दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम भारत के एवं उत्तर प्रदेश के सारे गणमान्य मंत्री, मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने परिवार, बच्चों के साथ एक बार अवश्य अयोध्या नगरी के प्रांगण में अपने परिवार को अवश्य दर्शन कराएं एवं खुद भी करें। तो दोस्तों, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें, तभी देश का भला होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा। आपस में मतभेद ना बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी धर्मों का सम्मान एक सा करना चाहिए। जय हिंदू, जय महाभारत, जय श्री राम, जय जय, जय जय, जय श्री राम।